हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं बात करूंगी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट पर। समय अमूल्य और अनमोल है। आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि यदि इंसान समय का दुरुपयोग करता है तो समय उसे अपना महत्व बखूबी बताता है। चलिए, फिलोसॉफिकल बातें तो बहुत हो गई, अब आते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि मैं आप सभी को बोर नहीं करना चाहती। तो शुरू करते हैं, आखिर एफिशिएंट और इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और इसका महत्व क्या है हमारे दिनचर्या में। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट से इंसान ना केवल अपनी प्रोडक्टिविटी बल्कि अपने काम की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। टाइम मैनेजमेंट से हम अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं और उसके प्रोडक्टिविटी के बारे में सोच सकते हैं और अपने काम में बेहतर हो सकते हैं। और जब इंसान काम में बेहतर होता है तो उसकी शख्सियत अपने आप ही बेहतरीन हो जाती है। टाइम मैनेजमेंट के कई फायदे हैं, तो आइए जानते हैं उन सभी को एक एक करके। नंबर एक, तनाव कम करता है। हर इंसान के जीवन में दो पहलू होते हैं। पहला उसका निजी पारिवारिक जीवन होता है और दूसरा काम। इंसान को हमेशा कर्मनिष्ठ होना चाहिए। जब इंसान अपने इस दोनों जीवन के लिए बराबर समय नहीं निकाल पाता है तो बेशक उसका तनाव में जाना स्वाभाविक है। एक इंसान से उसके परिवार की खुशियां और वही ऑफिस में उसके बॉस की भी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। यदि इंसान प्रायोरिटी के मुताबिक समय को निर्धारित ना करे तो वह सैंडविच बनकर रह जाता है। उसकी प्रवृत्ति एक प्रेशर कुकर की तरह हो जाती है, मानो कि अब बस वह फटने ही वाली हो। नंबर दो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यदि आप अपना काम सही समय या डेडलाइन से पहले कर लेते हैं तो ना केवल आप अपनी कौशलता को जानेंगे बल्कि आप आत्मविश्वास भी महसूस करेंगे। हर सुबह आप उठते ही अगर अपना टू डू लिस्ट तैयार करते हैं और उसके मुताबिक आप टिके रहते हैं तो यकीन मानिए, आपसे बेहतर और योग्य इंसान और कोई नहीं। नंबर तीन, कुशल बनाता है। यदि आप जानते हैं कि आपको समय कैसे मैनेज करना है तो आप कुशल हैं। जैसे कि अगर आपका कोई बड़ा मीटिंग हो तो उसके पहले आपके पास कुछ मिनट्स बचे हो, तो उसे बर्बाद करने के बजाय अगर आप कोई छोटा काम पूरा कर लें तो वह ना केवल आपका समय बचाता है बल्कि आपको सकुशल और बेहतर बनाता है। ये तो हो गई समय के महत्व के बारे में कुछ जानकारियाँ। आइए अब जानते हैं कि समय को कैसे मैनेज करें। नंबर एक, टू डू लिस्ट बनाएं। हर सुबह उठते ही यदि आप एक टू डू लिस्ट बनाते हैं तो आप अपने काम के प्रति मोटिवेटेड, डेडिकेटेड और फोकस्ड रहते हैं। लिस्ट पहले से बना लेने पर आपको यह नहीं सोचना होता कि आगे क्या करना है, आपको बस एक एक करके काम को पूरा करते जाना है। इससे आप किसी दूसरी दिशा में भी नहीं भटकते। नंबर दो, प्लान करें। किसी भी काम को पूरा करने से पहले यदि आप हफ्ते या दिन भर पहले प्लान कर लेते हैं तो आप उस काम की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। यदि आपको पता है कि किसी कार्य को करने में आपका लगभग एक हफ्ता लगेगा तो आप उसके लिए एक हफ्ते पहले से ही तैयार हो जाएं, ताकि आपको डेडलाइन तक उस काम को घसीटना ना पड़े, ना ही उसके अंजाम का नुकसान उठाना पड़े। नंबर तीन, समय निर्धारित करें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि काम को पूरा करने का एक समय सीमा निर्धारित करें। नंबर चार, काम को आउटसोर्स करें। हर इंसान में कुछ खूबियां तो कुछ खामियां होती हैं। हर इंसान हर काम नहीं कर सकता, नो वन इज परफेक्ट। और इसलिए हमें भी उदास होने की जगह समझना चाहिए कि अगर हमसे कोई काम नहीं हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हमसे कोई भी काम नहीं होगा। हम उस काम को किसी फ्रीलांसर को भी आउटसोर्स कर सकते हैं। नंबर पाँच, इम्पॉर्टेंट काम को पहले ख़त्म करें। यदि आपके पास ढेरों काम हैं तो आप सबसे पहले उसे प्रायोरिटाइज करें और उसमें जो सबसे पहले है उसे सबसे पहले ख़त्म करें। सुबह का समय सबसे फ्रेश होता है, उस वक्त हमारे शरीर में बहुत ऊर्जा होती है। यदि उस वक्त हम अपने कठिन और महत्वपूर्ण काम को पूरा कर लेते हैं
तो हमें दिन भर बहुत आराम लगेगा। नंबर 6, एक समय में एक काम पर फोकस करें। यदि आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो उसे खत्म करके ही उठें। अधूरा काम करने से आपको जोखिम उठाने पड़ सकते हैं। नंबर 7, परफेक्शन ना ढूंढें। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी घातक हो सकता है, वहीं अंडर कॉन्फिडेंस भी आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक सकता है। इसलिए जीवन में बैलेंस बनाकर चलने की आवश्यकता है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पर, जहां हम देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट के क्या एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, डेडलाइन मिस होने के रिजल्ट से बचाता है। समय पर काम करने से आप ना केवल डेडलाइन मिस होने से बचते हैं, बल्कि उससे होने वाले हानि और बेइज्जती से भी बचते हैं। नंबर 2, गलत राह में भटकने पर काबू पा सकते हैं। अपना पूरे दिन का काम निर्धारित कर लें कि आपको इस समय से इस समय तक यह काम करना ही है, तो आप खुद को पहले से इतना बिजी कर लेते हैं कि आपके पास बाकी कामों के करने के लिए ज़रा सा भी समय नहीं बचता है। इससे आप गलत राह में नहीं भटकोगे। नंबर 3, प्रोडक्टिविटी होना। सही समय पर काम कर लेने से आपके करियर में ग्रोथ होगा। अंत में मैं रहीम जी का एक दोहा बोलना चाहूँगी, जीवन में यदि चाहिए सुख सुविधा सम्मान, सारे आलस त्याग कर करें समय पर काम। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।